अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको टिक्का बोटी, बीफ टिक्का बोटी का मैं बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़ेदार। और ये देखिए, मैंने बीफ को धो के साफ़ करके और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैं आप इस अब इसको अब इसका मसाला बनाने लगी हूँ, जिसमें इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए, जाएगा दही, ये 4 चम्मच हम दही के ले रहे हैं। ये है 1 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया, ये पिसा हुआ मसाला, ये जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच, ये हरी मिर्च 1 चम्मच कुटी हुई, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, ये 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये विनीगर है सिरका, इसके भी हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे। अब इनको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ये मसाला मिक्स हो गया, इसमें हम ये बीफ ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह से हमने लगाना है। इसको प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें फूड कलर, हाँ जी फूड कलर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा। हम इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए बाजारी फूड कलर डालेंगे। इसको ये हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि ये मसाला जो अच्छी तरह ये गोश्त को सही तरह लग जाए। इसमें मैं नींबू का रस ऐड करूंगी, 1 नींबू का रस। ये देखिए, ये सारा मसाला इनको अच्छी तरह से लग गया है। अब इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये इसको मैंने कवर करके अच्छी तरह से, तो अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी 1 घंटे के लिए। व्यूवर्स, अब इसने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर ली है, अब ये मैरिनेट हो गई है। अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, और इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब हम सिर्फ 2-5 मिनट के लिए रखेंगे, पानी उबलने का इंतज़ार करेंगे। ये बीफ का गोश्त है, इसलिए इसको हमने पहले स्टीम देनी है और फिर बाद में इसको हम घी में बनाएंगे। ये पानी को उबाल आ गया है, अब इसके ऊपर हम ये रखते जाएंगे बीफ की गोश्त जो है टुकड़े सारे। ये मैंने रख दिए हैं, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे।
ये देखें व्यूवर्स, अब मैं इनको निकाल लूँगी और दोबारा कोटिंग दूसरे जो रह गए थे उनकी करूँगी। ये थोड़ी अब नरम हो गई है, ये देखें, ये देखें, ये थोड़ी सी पक गई है। अब हमने इनको इतना ही पकाना है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इसके ऊपर ये चाट मसाला थोड़ा सा लगाऊंगी। ये मैंने बाद में इसलिए लगाया है, ये पहले भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने इसको बाद में इसलिए लगाया कि इसको फ्राई करना था और इसमें से फिर वो जायका नहीं रहना था। अब इसका जायका जो है ना बिल्कुल मुनफरद होगा, बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार बना के देखें, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बना नहीं रह सकेगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने पैन ऊपर रख दिया, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसमें। इसमें अब रखती जाऊंगी मैं ये, हमने अच्छी तरह से इनको ब्राउन करना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये अब आप खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और आपको अब मेरा बेटा टेस्ट करके बताएगा ये कैसे कितने मज़े के बने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मज़ेदार है। वाह मामा वाह, बड़े मज़ेदार किया।